पुष्यभूति डायनेस्टी का आखिरी रूलर हर्षवर्धन, जो कि अपनी पूरी लाइफ पूरी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारता है सिवाय एक युद्ध का, और वो युद्ध था बैटल ऑफ नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा घाटी का वह युद्ध जिसमें वो हार जाता है पुलकेशिन द्वितीय, जो कि साउथ इंडिया का एक बहुत फेमस राजा होता है। पर वो ये युद्ध क्यों हारता है जब वो एक भी युद्ध नहीं हारा पूरी जिंदगी में? तो जनरली जो हर्षवर्धन का एम्पायर था वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ था, परंतु जो जब वो नर्मदा नदी को पार करने के लिए कोशिश करता है तो वहीं पर पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में जो बैटल फील्ड था वो बैटल ऑफ नर्मदा कहलाती है। और इस युद्ध में हारने का सबसे मेन कारण जो था वो ये था कि हर्षवर्धन को साउथ इंडिया के टेरेन के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं था, और इसी के साथ साथ साउथ इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से अलग है। तो यही रीज़न बनती है हर्षवर्धन की पराजय की और पुलकेशिन द्वितीय के विजय की। तो क्या आपको इससे पहले ये बात पता था?